बहरहाल अब अगली खबर का रुख करते हैं। अपनी गाड़ी से प्रिंसिपल को कुचलने के आरोपी और छत्तीसगढ़ के राजघराने से ताल्लुक रखने वाले विक्रमादित्य सिंह की तलाश तेज हो गई है। बीजेपी सांसद रणविजय सिंह के भाई हैं ये। उनके भाई विक्रमादित्य सिंह को ढूंढने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने 3 राज्यों में अपनी टीम भेज दी है, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में तो खोज ही रहे, जबकि कल ही उसके ऊपर 5,000 रुपए का इनाम भी रखा गया। इस बीच दिलीप सिंह जुदेव के बेटे और छत्तीसगढ़ के बीजेपी एमएलए युद्धवीर सिंह ने भी विक्रमादित्य की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। दिल दहला देने वाली घटना है। सत्ता की गर्मी जब सिर चढ़कर बोलती है तो कुछ लोग ऐसा ही करते हैं। ये जरा पूरा मामला आपको सिलसिलेवार ढंग से दिखाते हैं। क्या है ये पूरा मामला? परमेश्वर गुप्ता ने जुदेव राज परिवार से 10 साल पहले जमीन खरीदी। आरोप है बेचने के बाद भी विक्रमादित्य जमीन पर हक जमाता रहा, यानी जमीन खरीदने के बाद भी विक्रमादित्य ने उसको छोड़ा नहीं। जमीन पर लगे पेड़ों को लेकर जुदेव से परमेश्वर का विवाद हुआ, लड़ाई हुई इस बात पर। 6 अप्रैल को विक्रमादित्य ने परमेश्वर से मारपीट की, ये 6 अप्रैल की बात है। पजेरो गाड़ी से विक्रमादित्य ने परमेश्वर को रौंद दिया, उसके पैरों पर गाड़ी चढ़ा दी। ये विक्रमादित्य साहब जो आप देख रहे हैं ये उसी बीजेपी नेता के भाई हैं। जुदेव के खिलाफ धारा 294, 323, 279, 337, 506, 307 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है, लेकिन फिलहाल साहब फरार हैं और उनको तलाशने के लिए 3 अलग अलग राज्यों में पुलिस गई हुई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का यह शख्स है और पुलिस किस तरह से जद्दोजहद करती हुई दिखाई दे रही है इस एक शख्स को पकड़ने के लिए। आइए आपको सुनाते हैं बीजेपी सांसद रणविजय सिंह, जिनके ये भाई साहब हैं, उनसे बात की है हमारे सहयोगी रोहित सिंह ने। सोमवार की घटना के बाद जुदेव राज परिवार का नाम एक बार फिर से विवादों में है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त बीजेपी के सांसद और राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले राजा रणविजय सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। रणविजय साहब, आपके छोटे भाई हैं विक्रमादित्य सिंह, जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया सोमवार को, जो ब्रह्मेश्वर गुप्ता है उनके कुचलने की कोशिश की, जिंदगी की मौत से लड़ रहे हैं वो इस वक्त, क्या कहना है? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस रहा, एंड फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट ऑफ कोर्स ही इज माय यंगर ब्रदर। और ये जो घटना घटी इसकी मैं बिल्कुल निंदा करता हूँ मैं, और कानून को अपना काम करना चाहिए। और मैं विक्रमादित्य से भी कहना चाहूँगा कि भाई जहाँ कहीं भी वो हो बिल्कुल उसको सामने आना चाहिए, पुलिस और कानून को सहयोग करना चाहिए और अपना पक्ष भी सामने रखना चाहिए। क्योंकि आपके विक्रमादित्य से कोई ताल्लुक है अभी इस वक्त? देखिए, कोई पिछले 20 सालों से मैं उनसे हम लोग अलग रह रहे हैं। जब परिवार बढ़ता है तो परिवार बढ़ता भी है, और पिछले 20 सालों से हम लोग पारिवारिक कार्यक्रमों में और शादी ब्याह में और पारिवारिक चीज़ों में मुलाकात होती है, पर पिछले 20 सालों से हम लोग अलग हैं। गुप्ता परिवार मांग कर रहा है कि अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी गिरफ्तारी नहीं है। आपको लगता है गिरफ्तारी होनी चाहिए? तो बिल्कुल, जो मेरे नॉलेज में है पुलिस और प्रशासन बिल्कुल तत्परता के साथ पूरा अपना काम कर रहा है, और बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये बताइए कि विक्रमादित्य ने जो घटना घटी है उसके बाद आपके कुछ मतलब संबंध आपसे, आपकी कोई बात हो पाई है इससे 2 दिनों में, उनसे कोई बात हुई है? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हो पाई है, और मैं आपने के माध्यम से अपील करना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल पुलिस और कानून के सामने आए और बिल्कुल अपना पक्ष रखे सामने, बड़ा अच्छा रहेगा। ये थे राजा रणविजय सिंह, जो साफ तौर पर बता रहे थे कि जो घटना घटी है काफी अनफॉर्चुनेट है, और ऐसे में वो मांग कर रहे हैं कि विक्रमादित्य सिंह जो इस घटना में मुख्य आरोपी है उनको सरेंडर करना चाहिए और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़, आज तक। विक्रमादित्य की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, बता रहे हैं छत्तीसगढ़ पुलिस के प्रवक्ता पीसी श्रीवास्तव। पुलिस प्रवक्ता पीसी श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीवास्तव साहब, विक्रमादित्य सिंह को क्या गिरफ्तारी के लिए क्या कार्रवाई अभी तक की गई है? 48 घंटे का वक्त बीत चुका है। विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ थाना जसपुर में 307 IPC के तहत प्रकरण दर्ज हुआ है,
और वो घटना दिनांक के बाद ही यहाँ से फरार हो चुके हैं, जिनके लिए 3 टीमें छत्तीसगढ़ झारखंड भेजी जा चुकी हैं, अपडेट लिया जा रहा है। उनके विरुद्ध 5,000 का इनाम भी पुलिस अधीक्षक जसपुर के द्वारा घोषित किया गया है। कौन कौन से राज्यों में आप लोगों ने टीम भेजी है? झारखंड और उड़ीसा और रायपुर में टीमें हमारी गई हैं, पता कर रही। कुछ आप लोगों को कुछ लीड्स मिले हैं कि कहाँ हो सकते हैं ये विक्रमादित्य सिंह या उसके साथ जो दो और सहयोगी थे? उसी के आधार पर ये टीमें भेजी गई हैं, टीम अपना काम कर रही है, जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि 48 घंटे का वक्त बीत चुका है सर। टीमें गई हैं और जैसे ही पता लगेगा उन्हें गिरफ्तार करेंगे, इसमें हो सकता है थोड़ा वक्त लग सकता है। ये आरोप लगाया जा रहा है पुलिस पे क्योंकि ये रॉयल परिवार से घर ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए धीरे इस पे काम किया जा रहा है। ये आरोप गलत लगाया जा रहा है और आरोप सही नहीं, निराधार है। इनकी गाड़ी पजेरो तत्काल राजमहल से जब्त कर थाने में रखी गई है और इनके विरुद्ध प्रकरण भी तत्काल दर्ज किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आखिरी सवाल, कोई टाइम फ्रेम जिसके अंदर इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे।